अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने ना इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर को देखा है जो इस तरह के क्राउन वाले हिजाब पहनते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने ऑनलाइन सर्च किया तो मुझे मिला ही नहीं, तो मैंने खुद से ही बना लिया इसे। तो चलो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने इसे कैसे बनाया। तो इस तरह का मैंने फैब्रिक लिया है, लेंथ आप कम से कम 1 मीटर का तो ज़रूर ही रखना। मैंने 1 मीटर से ज़्यादा इसका लेंथ रखा था और इसकी जो चौड़ाई आप लोग देख सकते हो कुछ ज़्यादा नहीं है। उसके बाद क्या करना है ना, इसको इस तरीके से साइड से डबल फोल्ड करना है। और डबल फोल्ड करने के बाद इस पर मैंने पूरे मतलब चारों तरफ से मैंने इसे अच्छे से मतलब स्टिच कर लिया था। इसको स्टिच करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आराम से आप बस इसे नॉर्मल एक फोल्ड करो, उसके बाद डबल फोल्ड करो और आराम से आप इसे स्टिच कर सकते हो। अगर नहीं है आपके पास मतलब मशीन, तो आप इसे घर पे मतलब सुई धागे से भी बना सकते हो, क्योंकि इस पे उतने डिफ़िकल्ट डिज़ाइन नहीं है कि आप इसे घर पे नहीं बना सकते। मैं जैसे कर रही हूँ ना, आपको बस उसी तरीके से करना है, आराम से आप इसे बना सकते हो। और हाँ, स्टिच करने के बाद ये इस तरीके से लग रहा था। मतलब स्टिच करने के बाद ये है ना, इसकी जो विड्थ है ना, मतलब चौड़ाई जो इसकी है वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 2 फिंगर जो होते हैं ना उतनी ही होगी। उसके बाद आपको एक मतलब पेपर लेना है, पेपर के ऊपर इसे मैंने ऐसे रख दिया था। उसके बाद आपको प्लीट्स बनाने हैं, एकदम छोटे 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 प्लीट्स बनाने हैं, जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, यू कैन सी। कंप्लीट हो चुकी है, मतलब कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह का इसका लुक था। अब कुछ नहीं करना है, बस नीचे जो पेपर है उसे हमें रिमूव कर देना है अच्छे से। उसके बाद ये हमारा पूरा मतलब बनके रेडी हो चुका है। अब कुछ नहीं करना है इस पर, बस हमें इसे हिजाब दुपट्टा के ऊपर अटैच करना है। तो चलो मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ कि कैसे इसे हमें दुपट्टा के ऊपर अटैच करना है। अब क्या करना है ना कि बहुत ही सिंपल सा हिजाब बनाना है। सिंपल सा हिजाब बनाना तो हर किसी को आता है, आराम से हर कोई बना सकता है। तो सिंपल सा हिजाब बनाने के बाद इसे हमें अटैच करना है। तो सबसे पहले हम सिंपल सा हिजाब बनाएंगे। और इस स्लीव्स का जो डिज़ाइन है ना, वो भी मैं इंस्टाग्राम पे रील्स पे मतलब इतने लड़कियों को पहने हुए मैं देखती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था ऐसा। मैं मतलब बहुत जगह ऑनलाइन सर्च भी की तो मुझे वैसा मिला नहीं जैसा मेरे को चाहिए था, तो फिर मैंने इसे बना लिया खुद से ही। मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छा बना। यहाँ पे रूम के लाइट की वजह से थोड़ा कलर अलग हो जाता है। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि लाइट की वजह से जो ड्रेस का कलर है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, बट कोई नहीं। साथ में मैंने नोज़ पीस भी बनाया था। मैंने मतलब इस अबाया का फुल सेट बनाया था, दुपट्टा भी, नोज़ पीस, अबाया। अब हिजाब बन के रेडी हो चुका है। अब मतलब इसे हम अटैच करेंगे दुपट्टा के ऊपर। तो बस कुछ नहीं करना है, बस इसको ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ऊपर से इसे रख के, और हिजाब वाले जो पिंस आते हैं ना उससे इसे सिक्योर कर लेना ताकि ये गिरे नहीं। आपको मतलब 4-5 पिन जितने भी लगाना हो आप यूज़ कर सकते हो। एंड ये बनके रेडी है और ये है इसका फाइनल लुक।